मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पेड़ से बांधे जा रहे दूल्हे राजा उस डिमांड को लेकर पछता रहे हैं जो उन्होंने लड़की यानी कि दुल्हन के घर वालों से किया था, और ये डिमांड दूल्हे राजा पर इतनी भारी पड़ गई कि दूल्हे राजा का बाजा बज गया, यानी दूल्हे राजा को रस्सी के सहारे गाँव वालों ने पेड़ से ही बांध दिया। दूल्हे राजा का नाम अमरजीत वर्मा है और ये मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मंधाता थाना इलाके का है, जहां दुल्हनिया लाने के लिए गाजे बाजे के साथ दूल्हे राजा अमरजीत बारात लेकर जौनपुर से पहुंचे थे। वरमाला के दौरान दूल्हे राजा ने लड़की वालों से दहेज की डिमांड कर दी। लोगों ने दूल्हे राजा को काफी समझाने की कोशिश भी की, मगर दूल्हे राजा कहां मानने वाले हैं। दहेज की डिमांड को लेकर दोनों तरफ से कहा सुनी भी हुई, और इसी दौरान दूल्हे राजा ने दुल्हन के परिवार वालों से दुर्व्यवहार कर दिया। बस फिर क्या था, दूल्हे राजा की सामत आ गई और गांव वालों ने पेड़ से ही रस्सी के सहारे दूल्हे राजा को बांध दिया। काफ़ी देर तक पेड़ में दूल्हे राजा बंधे रहे और लोग तमाशा देखते रहे। आखिरकार जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया, उसके बाद पुलिस ने इन्हें मुक्त कराया। दोनों पक्षों को लेकर पुलिस थाने पहुंची और पूरा दिन समझौता चलता रहा, लेकिन इस समझौते का हल नहीं निकल पाया और दूल्हे राजा की ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गई। हाँ।